ग्राम बरखेड़ी निवासी आज भी तरस रहे बीपीएल लाइट को। मामला बदवास विद्युत मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेरखेड़ी का है। बेरखेड़ी में ग्रामीण आज भी बीपीएल की लाइट को तरस रहे हैं। करीब 6 साल पहले बेरखेड़ी की लाइन चोरी हो गई थी, जो आज तक विद्युत मंडल में नहीं डली है। आपको बता दें कि बेरखेड़ी अटलपुर पीटर के अंतर्गत आता है और बेरखेड़ी का बीपीएल लाइन का टेंडर महीनों पहले पास हो गया है। इसका आधा काम चालू भी कर दिया गया था, लेकिन 30 से 35 खंभों का तारा अभी तक नहीं बचाया गया है। हमने कई बार शिकायत की है, छोटे अधिकारी से लेकर जिले तक के विद्युत विभाग के जितने अधिकारी कर्मचारी होते हैं सबको मामला संज्ञान में दिया है। जनप्रतिनिधि के रूप में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव को पत्र लिखकर बेरखेड़ी की समस्या हमने बताई, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई हमारी सुध लेने नहीं आया। इसका कारण सिर्फ बेरखेड़ी में एक आउट ऑफ एरिया में बसा हुआ है। ठेकेदार को जब भी हम फोन लगाते हैं तो ठेकेदार भी बोल देते हैं कि मैं जब फ्री होऊंगा तब इस लाइन पर कार्य किया जाएगा। भैया, जो लाइट की समस्या है वो कितने दिनों से आपकी ये परिस्थिति बनी हुई है? भाई साहब, ये समस्या तो नहीं कि हमारी बहुत पहले से चल रही है, 6-7 साल हो चुके हैं इसके लाइट, और अभी 4-5 महीने पहले इसका एस्टिमेट जे हिसाब ने बना के भेजा था और वो मंजूर भी हो गया था, और ठेकेदार के अंडर में भी ये काम आ चुका था और उन्होंने काम के लिए चालू भी किया। लाइन में जो खंभे पोल रहते हैं उनको उन्होंने खड़ा भी करवाया और आधी अधूरी लाइन पूरी करके चले गए। अब जो लाइन बची हुई है 30 से 35 खंभे का तार खिंचना बाकी है और इसी काम में उन्होंने 3-4 महीने लगा दिए और अभी तक पूरा कार्य नहीं हुआ है। शिकायत की है किसी वरिष्ठ अधिकारी को या फिर किसी जनप्रतिनिधि को? हाँ जी, इसके बारे में हमने एमएलए साहब को सूचित किया था और इसके बारे में हम सांसद जी के जो पीए रहते हैं उनको भी सूचित कर चुके हैं। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से एमएलए साहब भी यही कह रहे हैं कि आपका काम 4-6 दिन में हो जाएगा और ऊपर से भी ये कर्मचारी भी यही कहते हैं। मेरी बात डीए साहब से भी हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आपका काम हम जल्द से जल्द करवाएंगे, लेकिन हम जब कॉल करते हैं जब यही कहते हैं, लेकिन काम 3-4 महीने से पेंडिंग में ही जा रहा है, तो इसकी सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है और ये लाइन दोबारा से चोरी हो जाएगी, फिर हमारा वही होना है जो अभी पहले से हो रहा है। हमारा यानी कि पूरा क्षेत्र अंधकार में है और अंधकार में ही रहेगा। कोई भी कर्मचारी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, डीए साहब से बात करते हैं फिर भी वही बात को दोहराते हैं कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। ठेकेदार साहब से बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं, बस आपका काम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पपन कुमार धाकड़ है। निवासी बेरखेड़ी।